स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल तानू क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जिसका नाम फर्स्ट मेरिट्स में नहीं आया है वो लोग का क्या होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा इस बार हिस्ट्री में 65 कट ऑफ आया है, सिर्फ हिस्ट्री में 30,000 बच्चे पिछले बार के मुकाबले छूट गया है। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार 30,000 प्लस बच्चा ये सेलेक्ट हुआ था, लेकिन इस बार 30,000 कम बच्चा सेलेक्ट हुआ है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, तो आप लोगों का नाम जो है सेकेंड मेरिट्स में आने का चांस है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड मेरिट्स का वेट कीजिए, जैसे ही आएगा मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं जिसका नाम फर्स्ट मेरिट्स में आया है, तो वो लोगों का एडमिशन की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको एडमिशन करने के लिए ऑनलाइन कहां पे करना होगा, ऑनलाइन करने के बाद फिर आपको कॉलेज 7 दिन के अंदर जाना है, तो वो कैसे जाना होगा, क्या क्या लेके जाना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, फी कितना लगेगा, फिर आपको जो है ऑनलाइन जो होगा वो कैसे होगा, वहां पर कितना कितना क्या क्या लेके जाना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा एडमिशन की। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट वन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि एक चीज अगर आप लोगों का मिस हो गया तो आप लोग एडमिशन से वापस हो सकते हैं, फिर आपको दोबारा जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोगों को बहाना मिल जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाइएगा या फिर फी कम लेके जाइएगा या फिर आप अगर कुछ गलत करके चले गए, ठीक है, तो आप जो है वापस आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगेगी तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर BRABU यूनिवर्सिटी का पार्ट वन एडमिशन 2020 का बारे में बताऊंगा, नामांकन की पूरी क्रिया, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एडमिशन फी कितना लगेगा, कहाँ जाना होगा, ऑनलाइन कैसे होगा, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिर दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन यही, वॉच द वीडियो टिल द एंड। आवश्यक सूचना मैं आप लोगों के लिए PDF बना करके तब मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, वैसे स्टूडेंट जो BSc BA BCom पार्ट वन सीजन 2020-23 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन किए थे, आप लोग ऑनलाइन किए थे BSc BA BCom के लिए, मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख लिए, अगर आपका नाम कन्फर्म हो गया है, ठीक है, अगर आपका नाम कन्फर्म हो गया है और जिस कॉलेज में हुआ है तो उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एडमिशन हेतु अप्लाई करें, पेमेंट यानी कि रुपया भी आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ उसमें आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना होगा और पेमेंट भी ऑनलाइन करना होगा। ये आप जो है अपने कैफे वाले के पास, जो भी आपका कैफे है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है जो ऑनलाइन करते हैं सब काम, उसके पास आपको जाना होगा, वहीं जाके ऑनलाइन करना होगा। दोस्तों अगर आप बोलेंगे कि आप ये वीडियो बना करके दे दीजिए कि कैसे ऑनलाइन करें खुद से, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहले ऑनलाइन करने के लिए भी अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऑनलाइन एडमिशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर लगेगा जिसमें इनकमिंग और आउट गोइंग जो है चालू हो, ठीक है, आपको बंद वाला नहीं लेके जाना, क्योंकि उसमें आपका मैसेज आएगा, OTP आएगा। फिर आपको ईमेल ID लेके जाना होगा खुद का, अगर आपके नाम पर हो तो और अच्छा है, लेकिन खुद का होना चाहिए। फिर आपको एक फोटो लेके जाना होगा जो कि रंगीन फोटो हो, आपको तो मालूम है अभी वही चलता है। फिर क्लास 12 का मार्कशीट, वो भी ओरिजिनल लेके जाना होगा। फिर आपको SLC CLC TC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इन तीनों में से आपके पास जो भी हो वो आपको लेके जाना होगा। फिर जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, लेकिन किसको, जो अगर OBC है, BC1 कैटेगरी में आते हैं या फिर BC2 SC ST, ये चारों में से अगर आप किसी भी कैटेगरी में है तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा ऑनलाइन करने के लिए। और जो जनरल में आते हैं उन लोगों को EWS क्या होता है, तो EWS आपके ब्लॉक के द्वारा बनता है या फिर DM के द्वारा बनता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाकर के बनता है EWS, ठीक है, तो वो आपको लेके जाना होगा। आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा EWS क्या होता है, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जो ये कैटेगरी में आते हैं और जनरल को EWS। फिर आप लोगों को सभी को आय प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, जिसको हम लोग इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। फिर दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्या है, आप नोट देख लीजिए यहाँ पर, ऑनलाइन एडमिशन कराने के बाद वहाँ से रिसीविंग जरूर ले लें। तो जब आप ऑनलाइन एडमिशन कराएंगे यानी कि ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आपको एक रिसीविंग देगा, जिसको हम लोग, जैसे कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद ऑनलाइन अप्लाई किए तो एक रिसीविंग निकला था, उसी तरह का जब आप कैफे वाले के पास ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या खुद से करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट लेकर के आप निकाल लीजिएगा या फिर वो भाई के पास ले लीजिएगा रिसीविंग। ये आपको कॉलेज में लेके जाना होगा जरूरी, यहाँ देख सकते हैं, जरूर ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर आप देखिए क्या है, ऑनलाइन एडमिशन के बाद 7 दिन के अंदर कॉलेज में जाके निम्नलिखित कागज को जमा कर दें। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि ऑनलाइन कर लिए तो 7 दिन के अंदर, हो सके तो आप पहले दिन ही चले जाइएगा, लेकिन 7 दिन ही टाइम मिलता है, 7 दिन के अंदर कॉलेज में जाके निम्नलिखित कागजात को जमा कर लें। अब कौन कौन सा है देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म, यानी कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो वो ऑनलाइन फॉर्म लेके आपको जाना होगा, ठीक है, जिसको आप लोग रिसीविंग ही कहते हैं, जिसमें आपका सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है। फिर आपको कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन
एडमिशन फॉर्म ये जो है आपको कॉलेज के बाहर मिल जाएगा या फिर जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप लोगों को लेके जाना होगा। फिर आपको मार्कशीट क्लास 12 का जेरोक्स फोटोकॉपी, जी हाँ दोस्तों आपको फोटोकॉपी लेके जाना होगा क्लास 12 का, ठीक है, ओरिजिनल नहीं। फिर आपको SLC CLC TC ये ओरिजिनल लेके जाना होगा। अब आप बोलेंगे कि कैफे वाले के पास जो लेके गए थे, तो दोस्तों वहाँ पर आपका जो है SLC CLC TC लेगा ये वो अपलोड कर देगा स्कैन करके, ठीक है, उसके बाद वो फिर आपको वापस दे देगा और ये आपको जो है कॉलेज ले जा करके जमा करना होगा। फिर पाँच नंबर में देखिए कास्ट जाति जिसका भी है, जो भी उस कैटेगरी में आते हैं BC BC1 BC2 OBC में उसको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको हम लोग जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, और EWS लगेगा जो जनरल है उसको लेके जाना होगा, लेकिन उसका फोटोकॉपी नोट ओरिजिनल, ठीक है, फोटोकॉपी आपको कॉलेज लेके जाना होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि याद रहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। फिर आप देखिए सिक्स नंबर में आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट जिसका फोटोकॉपी लगेगा, फिर आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ये तो आपको मालूम ही है। फिर नोट देखिए कॉलेज में कागज जमा करने के बाद वहाँ से परिचय पत्र अवश्य ले लें, तभी उनका एडमिशन वैध माना जाएगा, यानी कि आप जब एडमिशन करेंगे तो आपको एक एडमिशन रसीद दिया जाएगा, ठीक है, वो आप वहाँ से जरूर ले लें, तभी आपका एडमिशन जो वैध माना जाएगा। अगर आप वो रिसीविंग वो रसीद नहीं लेते हैं जो रेड कलर का या येलो कलर का देगा, उसमें आपका एडमिशन कितना रुपया लगा, कौन कौन चीज में रुपया लगा, वो आपका लिखा हुआ रहेगा, तो वो आप वहां से जरूर ले लें दोस्तों, याद से ले लें, क्योंकि अगर वो आपके पास नहीं रहेगा तो आपका कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा कि आप एडमिशन किए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि फी कितना लगेगा। तो दोस्तों देखिए कल कॉलेज बंद था आप लोगों का, इसलिए अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया फी के मुकाबले, लेकिन दोस्तों पिछले बार के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे ही फी रिलीज होता है तो उसी तरह का आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो फी जो है आपको 1500 से लेकर के 2000 के बीच लगेगा। आप जो है 1500 से लेकर के 2500 के बीच फी लेके जाइएगा, आपको कभी 1800 भी लगता है कॉलेज के लिए, कभी 2200 भी लगता है, कभी 2000 भी लगता है, ठीक है। और SC ST वालों का फ्री भी हो सकता है या फिर उसको कुछ रुपया भी लग सकता है, लेकिन मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ आपको 1500 से लेकर के 2500 रुपया लेके जाना है, इसलिए पिछले बार के मुकाबले अभी बता रहा हूँ आपका कॉलेज के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं और आप लोगों का एक भी डॉक्यूमेंट्स या फिर एक भी रुपया अगर कम होता है तो कॉलेज वालों को बहाना मिल जाएगा आपका एडमिशन नहीं लेने का, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप भी ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और जितना डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला सब आपको जो है लेके वहाँ पे जाना है, नहीं तो फिर आपको जो है दोबारा फिर लेके जाना होगा कॉलेज। इसलिए दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आपका भाई इसी तरह आपको लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।